नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। हमारे पास ये गाड़ी है, जैसे हमेशा होती है एक गाड़ी, कुछ ना कुछ आपको बताते हैं गाड़ियों के बारे में। आज आपको ऐसे पॉइंट बताएंगे इस गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में, या कोई भी गाड़ी जो आपके पास है वो कौन से पॉइंट है वो आपको दिखाते हैं, फिर आपको आगे पूरा प्रोसेस बताएंगे ये वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए पहुँचते हैं, आपको थोड़े से पॉइंट डिस्कस कर देते हैं कौन कौन से हैं। जैसे पहला अपनी बात है गाड़ी की माइलेज कैसे बढ़ाएंगे, इंजन की लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाएं, जो आपकी गाड़ी है उसके इंजन की जो पिकअप है, परफॉर्मेंस है, कैसे बढ़ाएं, एक ही वीडियो में कवर करेंगे और एक ही छोटी सी टेक्नोलॉजी के साथ। आपको मज़ा आ जाएगा ये वीडियो देख के। तो ये सब हमें बताएंगे अमित जी, ये यहाँ पे बैठे हैं अमित जी, स्वागत करते हैं अमित जी। हाँ जी, नमस्कार अमित जी, स्वागत है हमारे यहाँ पे। हाँ जी, तो अमित जी बताइए। हाँ जी, हम किस बारे में बात करने वाले हैं पूरी वीडियो में जी, और कैसे ये आपने लिखा हुआ है गाड़ी की माइलेज बढ़ानी है, इंजन की लाइफ स्पैन बढ़ानी है जी, क्या चीज़ है हमें थोड़ा समझाइए, फिर अपने वीडियो फिर आगे शुरू करते जाएंगे। हाँ जी बताइए अमित जी। सर ये जो प्रोसेस है ये डीकार्बोनाइजिंग का प्रोसेस है। हाँ जी, जो आज हम ये कम्प्लीट करेंगे। हाँ जी, और जो हमारे पास ये मशीन है ये जर्मन टेक्नोलॉजी है। हाँ जी, जो कि गाड़ी का बिना कहीं से इंजन खोले हुए सारा कार्बन क्लीन करती है। जैसे जैसे गाड़ी के अंदर फ्यूल बर्न होता है हाँ जी, तो एक कार्बन की जो लेयर है वो डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है गाड़ी के हेड और पिस्टन के ऊपर। बिल्कुल, धीरे धीरे वो लेयर बढ़ती जाती है, जिसके बाद में हमने बहुत बार देखा है कि गाड़ियां जो है ब्लैक स्मोक दिखाना शुरू कर देती हैं। हाँ जी, या गाड़ियों की पिकअप में ड्रॉप हो जाता है। हाँ जी, या काफी बार हमने देखा है गाड़ी की एवरेज कम होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, नॉर्मली हम लोगों को ये चीज नहीं पता चलती, रीजन बीइंग कि हम उसी चीज को ड्राइव करते आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, तो जैसे जैसे वो परफॉर्मेंस लो होती है हाँ जी, हम उसी के हैबिचुअल होते जाते हैं। बिल्कुल, तो जो ये हमारी प्रोसेस है ये वो सारा कार्बन क्लीन करती है। ठीक है, इस मशीन से इसको कहीं से हम गाड़ी को खोलते मतलब जिनको कितने के नट खोलने पड़ते होंगे इसमें? इसमें सिर्फ सर एक ही नट खोलना पड़ता है। हाँ जी, वो है जो गाड़ी का अपना एयर फिल्टर की हॉस पाइप है। हाँ जी, जहाँ से गाड़ी एयर इनटेक करती है। हाँ, वहाँ से ये जो मशीन है वो ऑक्सीहाइड्रो गैस बनाती है। हाँ, ये गैस कंबशन चैम्बर में सर्कुलेट होता है। तो मुझे, मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा बोल तो रहे हैं बिना खोले और काफी सारे नट खोल के कुछ ना कुछ कर रहे हो। नहीं सर, इसमें हाँ, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही नट खुलता है। हाँ जी, उसके अलावा कहीं से गाड़ी नहीं खोलते, और ये करीब मतलब 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का प्रोसेस होता है। हाँ जी, गाड़ी के इंजन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर गाड़ी का इंजन बड़ा है जैसे 2500 cc या 3000 cc। हाँ जी, तो उसके अंदर 40 मिनट का टाइम होता है, अदरवाइज ये 30 मिनट का टाइम होता है। तो ये इन्होंने अपने को जो चीज़ अभी तक बताई है, मैं एक बार अपनी भाषा में समझा देता हूँ। कोई भी चीज़ जब जलने लग जाती है तो उससे कार्बन निकलता है, जो धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है, जो आपका इंजन है जिस जगह पे वो ब्लास्टिंग होता है, जहाँ पे पेट्रोल या डीजल ब्लास्ट हो रहा है, जल रहा है, वहाँ पर वो जमने लग जाता है कार्बन। अब क्या है, एक तरीका तो ये है, आप जाइए, जो ट्रेडिशनल तरीका है, वर्कशॉप पे जाइए, मैकेनिक के पास जाइए, हेड खुलवाइए उसका, वॉल्व खुलवाइए, कैमशाफ्ट अलग करवाइए, उसको साफ करवा लो, क्लीन करवाइए, और फिर जड़िए। हाँ, फिर पता करिए हुआ कि नहीं जी, और नहीं हुआ तो दोबारा करिए। बिल्कुल सर, तो लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीके से बहुत अलग है। हाँ जी, क्योंकि इसमें कहीं पे भी गाड़ी का इंजन खुलता नहीं है, इसलिए गाड़ी की कहीं से गारंटी वारंटी वॉइड नहीं होती है, पहली चीज़। बिल्कुल, दूसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको विद इन 1 आवर जो है फ्री कर देते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से मैकेनिक के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको हो सकता है पूरा 1 दिन लगे या 2 दिन भी लग सकते हैं, तो टाइम सेविंग है। दूसरी चीज़, इसमें कहीं से इंजन नहीं खुलता, इसलिए गाड़ी की वाइब्रेशन या नॉइज लेवल बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है। आजकल जैसे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। हाँ जी, जो कंपोनेंट पहले बड़े होते थे वो भी धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं माइक्रो साइज के अंदर। हाँ जी, तो जब आप उसको खुलवाते हैं और दोबारा उसको बंद करवाते हैं पार्ट्स को, तो उसके अंदर वो सेम फिटिंग नहीं आ पाती है जो हमारी ओरिजिनल गाड़ी की होती है। हाँ, आपने ये भी एक चीज़ देखा होगा, तो हमें उस चीज़ से भी इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं आजकल, मैं देखता हूँ जो अलग अलग इंजन होते हैं तो उसमें वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी अच्छे तरीके से दोबारा फिटिंग नहीं हो पाती। मतलब एक बार जो इंजन खुल जाता है, अपन जनरली बात करते हैं, इस सेकेंड हैंड गाड़ियों की आपके पास वीडियो आती है, हम कहते हैं ये इंजन खुला हुआ नहीं है जी, और फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, क्योंकि जो अपने तेल लेते हैं
उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता मोस्टली। ऑब्वियसली सर आजकल बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी कंप्लेंट आ रही है, आपने अगर आप वीडियो शूट करते हो और इसको आप मतलब ट्रैक भी करते होंगे तो आपको भी इस चीज़ के बारे में पता होगा, आपने देखा भी होगा कि आजकल ये चीज़ आ रही है। हाँ भाई, तो इसके अंदर जो हम एक और करते हैं जैसे साथ में फ्यूल टैंक के अंदर में एक एंजाइजर डालते हैं, ठीक है, वो लिक्विड जो है जर्मनी से इम्पोर्ट होता है, ठीक है, यहाँ से नहीं है। हाँ? तो वो भी सारी फ्यूल लाइन प्लस जो इंजेक्टर है गाड़ी के, हाँ जी, उसको भी क्लीन करता है कि उसके ऊपर अगर कार्बन कहीं पे डिपोजिशन हो गया, हाँ जी, तो उसको भी क्लियर करता है। हाँ, एक चीज़ आप बताइए, मतलब आप एक ब्रांड बता रहे हो जी, तो क्या चीज़ है वो ब्रांड जो ऑफ द रिकॉर्ड बताया था उन्होंने पहले मुझे? हमारे पास जो है डीकैबो की फ्रेंचाइजी है। डीकैबो ये लोकल ब्रांड नहीं है। हाँ जी, ये रजिस्टर्ड है। आपको अगर चेक भी करना है तो इसके ऊपर आप डीकैबो एंटरप्राइजेस सर्च कर सकते हैं। हाँ जी, गूगल के ऊपर आपको इसकी कम्प्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। जो हमारी ये मशीन है इसके जो भी पार्ट्स हैं वो सारे इम्पोर्टेड है, हमारे यहाँ पे कुछ भी लोकल पार्ट इसमें नहीं लगा हुआ। जो इसकी किट है, जो इसके अंदर प्लेट्स होती हैं, हाँ, वो सारी यूएस से इम्पोर्टेड है। तो चलिए, आपने बेसिक जानकारी तो ले लिया है, अब देखते हैं ये काम कैसे करता है, क्या प्रोसेस है, क्या रिजल्ट आते हैं वो भी देख लेते हैं। जी सर, अभी आपको हम इसके बाद में गाड़ी का बात एक कर, हमारे पास आया गाड़ी, हाँ जी, नेक्सॉन आई हुई है, तो इस गाड़ी को अभी हम डीकार्बोनाइज करेंगे, तो आपको इसके बारे में कम्प्लीट सब डिटेल देते हैं। तो चलिए फिर अपने वहाँ पे पहुँचते हैं, जो इन्होंने गाड़ी बताई है ये क्या करते हैं उस पर देखते हैं। अब बातें बहुत हो गई हैं, अपने काम पे आते हैं। काम के लिए हमें एक मशीन चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई मशीन तो लगेगी, ये मशीन है। अमित जी बताइए इसके बारे में क्या चीज़ है ये? जी आशीष जी, ये मशीन है हमारे पास में। हाँ जी, डीकैबो एंटरप्राइजेस की मशीन है। हाँ जी, ये लिखा भी हुआ है, ये लिखा भी हुआ है। हाँ जी, गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया हमारे 30 से ज्यादा सेंटर हैं। हाँ जी, और मोर देन 10,000 कार जो है हम कर चुके हैं अभी तक डीकार्बोनाइज। अच्छा, ऐसा चमें किसी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई है इसकी। हाँ जी, ट्रस्टेड है। हाँ जी, और हमारे पास डीकैबो की फ्रेंचाइजी है। ठीक है, अगर इनकी वेबसाइट पे भी चेक करेंगे श्रीगंगानगर में तो आपको यहाँ का एड्रेस मिलेगा। ठीक है अमित जी। तो और रही बात इस मशीन की टेक्नोलॉजी की, हाँ जी, तो ये मशीन ऑक्सीहाइड्रो गैस बनाती है। ठीक है, जो गैस इस पाइप के थ्रू, हाँ जी, गाड़ी के इंजन में सर्कुलेट करते हैं। अब हमने यहाँ से ये पाइप जो है गाड़ी के एयर फिल्टर की हॉर्स पाइप में लगा दी, हमने सिर्फ एक ये नट लूज किया है। हाँ, इसके अलावा कहीं से गाड़ी का कोई भी पार्ट नहीं खुला है। ठीक है, प्लस इसके साथ हमारे पास एनर्जाइजर है। हाँ जी, जो कि हमने गाड़ी के फ्यूल टैंक में डाला है। हाँ जी, वो आपको हमने दिखाया था। हाँ जी, तो वो जो है जितना भी अपना इंजेक्टर और फ्यूल लाइन है, हाँ जी, इस पे जो कार्बन आया होता है, हाँ जी, ये उस कार्बन को रिमूव कर देते हैं। आजकल हमें पता है कि बहुत तरह के फ्यूल के अंदर मिक्सिंग हो रही है, या बायोडीजल लोग यूज कर रहे थे बीच में। हाँ जी, जिसकी वजह से उनको गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ जी, तो वो लोग भी अगर ये सर्विस लेते हैं, हाँ जी, तो उन कस्टमर्स को भी बेनिफिट मिलेगा इसका। रीजन बिंग ये इंजेक्टर या फ्यूल लाइन का जो भी कार्बन होगा उसको क्लीन कर देगी। जो कम्बस्शन चैम्बर है जहाँ पे फ्यूल बर्न होता है, अगर वहाँ पे किसी तरीके का कार्बन डिपोजिट हुआ है तो ये उसको भी खत्म कर देगी। तो ये इसका प्रोसेस है। इस मशीन की टेक्नोलॉजी, जो इसके पार्ट्स हैं वो सारे इंपोर्टेड हैं। हाँ जी, यूएस से इंपोर्टेड पार्ट है। हाँ जी, यहाँ पे लोकल पार्ट नहीं है इसके। अब यहाँ पे इस मशीन में मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं, ये तो एक वोल्टेज का बटन है जी, ये टाइमर लग रहा है, ये मेरे ख्याल से अलग अलग लेवल है, पावर का है सर। हाँ, ये टाइमर है। हाँ, ये जैसे अभी 30 मिनट्स ये गाड़ी के अंदर मशीन चलेगी। ठीक है, तो जैसे हम इसको ऑन करेंगे यहाँ पे टाइमर ऑन हो जाएगा, और जैसे ये 30 मिनट पे पहुँचेगा ये मशीन ऑटो कट हो जाएगी। हाइड्रोक्सी गैस ये बना के मशीन इस पाइप के थ्रू यहाँ पे भेजती है। अब आप मुझे बताएं, सब लोग इंटेलिजेंट हो, फिर भी मैं अपना ज्ञान तो दे ही दूँ। क्या होता है जब अपना इंजन होता है, इंजन में क्या होता है, एक तरफ से अपने फ्यूल डालते हैं जी। अगर आपका डीजल है तो इसमें इंजेक्टर के थ्रू आएगा जी। इंजेक्टर क्या होगा, प्रेशर से मारेगा फ्यूल पम्प के थ्रू, और यहाँ से एयर जाएगी, वहाँ पर ब्लास्ट होगा, एक जगह ब्लास्ट होगा, वहाँ से पिस्टन नीचे। हाँ,
जो अनबर्न है कार्बन उसको क्लीन कर देगा ये। अब इंजन जो बेसिक प्रोसेस है उसमें नीचे चला जाएगा इंजन जी, और वहाँ पे कुछ कार्बन बच जाता है, कई साल यूज होने से कार्बन बच जाता है जी। अब क्या करेगा ये, इसमें हाइड्रोक्सी गैस है वो अब एयर के साथ चली जाएगी जी। अब जाते ही क्या होगा, उसकी बर्निंग को जो अनबर्न पार्टिकल है उनको बर्न करना शुरू कर देगा। हाँ, तो अब जब गाड़ी चलाएंगे तो मतलब एनर्जाइजर जो एनर्जी ज़्यादा उसको करने के लिए, मेरे ख्याल से एनर्जाइजर उसको क्लीन करने के लिए प्लस उसको स्मूथनेस देने के लिए। अच्छा, जैसे कार्बन डिपॉजिट वहाँ से खत्म होगा। हाँ जी, तो ये उसको स्मूथनेस देता जाएगा। अच्छा, वो कोई ऐसा केमिकल है जो आपको आपने देखा है, उस केमिकल को फ्यूल में डाल दिया है और यहाँ से एयर में हम मतलब गाड़ी हम स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, स्टार्ट करने के बाद 30 मिनट तक गाड़ी ऑन रहेगी। ठीक है, और तब तक ये साथ के साथ प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रोसेस है आपको जो इसका है। अब देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से एयर डालते हैं, से टाइमर शुरू करते हैं, टाइमर शुरू करते हैं। तो अपने पास आ गई गाड़ी, अभी हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, यहाँ से टाइमर ऑन हो गया है। हाँ जी, ये अभी डॉट आने शुरू हो गए। हाँ जी, तो ये टाइमर अभी ऑन हो गया है। ठीक है, और अब ये धीरे धीरे जाता रहेगा, वहाँ से वो उखाड़ता रहेगा। अभी इसके अंदर 3-3 मिनट के 3 साइकिल होंगे। हाँ जी, इसमें 3 मिनट के लिए गाड़ी में रेस्ट देंगे। हाँ जी, उसके बाद इसको 1 मिनट का ब्रेक देंगे। ठीक है, ताकि वो जो गैस है वो चैम्बर में अच्छे से सर्कुलेट हो जाए। ठीक है, वो ये प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस अब चलेगा इसका, ये भी 30 मिनट तक प्रोसेस चलेगा। हाँ जी, तो ये हमारे पास इंडिया की सबसे सेफ गाड़ी है, टाटा नेक्सॉन। अब इसकी माइलेज भी बढ़ा देते हैं। ये इस गाड़ी के अंदर ये एक रेगुलर मेंटेनेंस सर्विस है। हाँ जी, क्योंकि गाड़ी 50,000 चल चुकी है। ठीक है, तो जो डीकार्बोनाइजिंग की सर्विस करती है, हाँ, आपको हर 50,000 में अगर आप ये सर्विस करवाना शुरू कर दें, हाँ जी, तो कार्बन डिपॉजिट नहीं होता। ठीक है, उससे पहले इसमें कार्बन नहीं आता इतना ज़्यादा। उससे पहले तो क्या आएगा, ये रेगुलर सर्विस हो रही है इसकी, ये रेगुलर सर्विस है इसकी। तो आप पीछे से देख ले तो प्रोसेस में कोई खास धुआं धुआं तो नहीं छोड़ता होगा? नहीं, धुआं नहीं आ रहा है अभी, लेकिन अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको थोड़ी सी कार्बन की बर्निंग की स्मेल आनी शुरू हो रही होगी, अगर आप आगे खड़े होते हैं तो गाड़ी में। हाँ जी, हाँ, आगे स्मेल आने लगी है तो वो कार्बन बर्निंग की स्मेल आ रही है इसके अंदर। हाँ, तो अब आप वीडियो में सूंघ तो नहीं पाओगे, पर मैं सूंघ पा रहा हूँ, आप कुछ स्मेल आ रही है। मतलब आम गाड़ी चलाएंगे उसमें डीजल की या पेट्रोल की आती है, ये अलग तरह की थोड़ी है, मतलब कुछ बर्निंग हो रहा है। तो ये फिर वही बात है, आपको करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, या करते हुए देखोगे तो, वो जब करते हुए देखोगे या हाँ, जब आप करवाओगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये गाड़ी अभी ज़्यादा चली नहीं हुई है। हाँ जी, तो इसमें ऐसे ना तो ब्लैक स्मोक आ रहा है। हाँ जी, अगर गाड़ी में ब्लैक स्मोक होता तब भी हमें दिखता वो चीज़ें। हाँ जी, करने के पहले और करने के बाद, करने के बाद वीडियो दिखाते हैं उसका। हाँ जी, तो अब क्या है, जैसे मान लो ये अपने 1500 cc का इंजन है मेरे ख्याल से इसमें, अब मान लो मेरे पास गाड़ी है 800 cc की, तो उसमें क्या प्रोसेस रहेगा? सेम यही प्रोसेस है। हाँ जी, जो हमने इस गाड़ी के अंदर किया है। ठीक है जी, यही रहेगा, टाइमिंग भी यही रहती है उसमें? टाइमिंग भी यही रहती है, मिनिमम जो टाइमिंग है किसी भी गाड़ी करने का वो 30 मिनट्स है। 30 मिनट जी, उसके अंदर एनर्जाइजर की क्वांटिटी कम ज़्यादा होती है जैसे गाड़ी के चली हुई हो। 2000 cc में भी वही होगा, बड़ी गाड़ी में? हाँ जी, बड़ी गाड़ी में भी ये होगा, अगर गाड़ी ज़्यादा बड़ी है जैसे 2500 या 3000 cc इंजन है। हाँ जी, तो उसका प्रोसेस 40 मिनट का हो जाता है, या जैसे बड़े ट्रक हैं। हाँ जी, तो उनका प्रोसेस जो है वो 70 मिनट तक का चलता है। हाँ जी जी, तो इस मशीन से हम जो है एक बाइक से लेके, हाँ जी, और एक ट्रक या अर्थ मूवर तक की हर तरीके की गाड़ी कर सकते हैं। अभी तक हमने जो है कर चुके हैं यहाँ पे, हाँ जी, करीब जो अपने बड़े ट्रक होते हैं 6000 cc तक के, हाँ जी, वो हम कर चुके हैं। ट्रैक्टर हम कर चुके हैं यहाँ पे, अच्छा, टू व्हीलर में बाइक यहाँ पे कर चुके हैं, स्कूटी कर चुके हैं, ट्रैक्टर अभी तक हम यहाँ पे डीकार्बोनाइज कर चुके हैं। तो बहुत सारे मतलब हर तरह के व्हीकल अभी तक जिसमें इंटरनल कंबक्शन इंजन जो IC इंजन जिसे बोला जाता है लगा हुआ है जी, एयर और फ्यूल का मिक्स जाता है जिसके कंबक्शन चैम्बर में, वो काम हो ही जाएगा। हाँ जी, वो गाड़ियाँ, हाँ, वो होना ही चाहिए, डीकार्बोनाइज करवा सकते हैं। हाँ, बड़े ट्रक का मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है उसका। हाँ, उसका टाइमिंग ज़्यादा होता है, उसका करीब 70 मिनट्स का टाइम है। हाँ जी, जो उसको टाइम लगता है। और आपको कराने के बाद एक पिकअप का बेनिफिट मिलेगा, आप जब यहाँ से गाड़ी करवाएंगे तो जो अगर आपका पहला जो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट मिलेगा, जिन गाड़ियों की नॉइस लेवल बढ़ी हुई है, हाँ जी, उनको उसके अंदर सबसे पहले रिजल्ट दिखेगी। हाँ जी, कि वो नॉइस लेवल कम हो जाएगा। दूसरी चीज़,
जो इमीडिएट इंपैक्ट आएगा गाड़ी के पिकअप पे आएगा। हाँ जी। जिन गाड़ियों की पिकअप ड्रॉप हो रखी है उनको ये इमीडिएट फील होगा कि उनकी गाड़ी की पिकअप पहले से बढ़ चुकी है। अच्छा। उसके बाद जैसे आप गाड़ी चलाते हैं एवरेज इससे बढ़ती है। हाँ जी। मतलब आप ये मान लीजिए अप टू 20% जो है एवरेज के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है। बट एवरेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड मैटर करते हैं जी, अपने चलाने का तरीका भी है, हर किसी का अपना चलाने का तरीका है, उसके बाद फ्यूल का है। हाँ जी। कि आप कहाँ से फ्यूल डलवाते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जी जहाँ से फ्यूल हम डलवाते हैं उसके बाद खुद की एवरेज ड्रॉप हो जाती है गाड़ी की। हाँ जी। अब मेरे साथ ये हुआ था, मेरी खुद की गाड़ी की जो है, हाँ जी, मतलब एक टैंक मैं मान के चलूँ 850 या 900 किलोमीटर जो टैंक चलता था। हाँ जी। मैं कहीं जा रहा था, आउट ऑफ स्टेशन था, रास्ते में फ्यूल डलवाया। हाँ जी। वो 750 चला। अच्छा। तो उसके बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर आप जिस पंप से पेट्रोल डलवा रहे हैं या डीजल डलवा रहे हैं तो उस पर 20% का आपको इजाफा दिखेगा। अप टू 20%। हाँ जी। उसमें इसका इम्पैक्ट आता है, जो कस्टमर मतलब हमारे पास ऐसे रेगुलर भी कस्टमर हैं जिनके हमारे पास फ़ोन आए हैं। हाँ जी। कि मेरी गाड़ी के अंदर करीब 2-2 किलोमीटर की एवरेज का इम्पैक्ट आया है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। ऑब्वियस है सर, जब हमारी गाड़ी की पिकअप बढ़ गई। हाँ जी। तो हमारे जो गाड़ी के गियर चेंजिंग है। हाँ जी। वो कम हो गया। कम हो गया। गियर शिफ्टिंग हम बार बार नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। तो गाड़ी की माइलेज इम्प्रूव होगी, प्लस हमारी गाड़ी की अगर पिकअप बढ़ गई। हाँ जी। तो हमें फिर भी गियर शिफ्टिंग कम करना पड़ेगा, ओवरटेक के अंदर गाड़ी कम प्रेशर लेगी। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हो, सेकंड हैंड गाड़ी हम वीडियो भी बनाते हैं और जनरली अपने खरीदते भी हैं, तो उसमें क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा किसी आदमी को लगता है यार मेरी गाड़ी की पिकअप गई, इंजन खुलवाना पड़ेगा, मैं भेज देता हूँ, वो भेज देता है। मतलब चाहे उतना बड़ा नहीं होता उसमें, ऐसा नहीं होता कि, थोड़ा सा सही भी हो सकता है पर किसी बंदे को होता है। तो आपने सेकंड हैंड गाड़ी ली तो आपके पास आ जाए, अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं। हाँ जी। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप एटलीस्ट एक बार ये सर्विस करवाएं। ठीक है। उसका रीज़न है कि जो सेकंड हैंड गाड़ी है वो हमें नहीं पता कितनी चली हुई है। हाँ। या जिस कस्टमर ने हमसे पहले रखी है। हाँ, वो कैसे चला रहा है, वो कैसे उस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप नॉर्मली, हमारी भी एक कोशिश रहती है कि जैसे हमने गाड़ी नहीं ली हम एक बार उसका ऑयल या फिल्टर चेंज करवाते हैं। हाँ जी। सेम वेज अगर हम ये सर्विस लेते हैं तो एक बार गाड़ी का पूरा जो इंजन है। हाँ जी। वो दोबारा सेट हो जाता है। अच्छा। एक चीज़ होती है, मतलब बहुत कम होता है ऐसा, कभी कभी क्या होता है जब अपने गाड़ी बहुत ज़्यादा चलने लग जाती है और बहुत ज़्यादा चलाते हैं अपने, तो उसमें क्या होता है जब अपने जैसे गाड़ी रोक दी, बंद कर दी इंजन, उसके बाद भी नोक की आवाज़ आती रहती है, वो भी कार्बन की वजह से होता है, उसे नोकिंग बोलते हैं, मतलब टेक्निकल भाषा में, आम भाषा में कहते हैं भाई गाड़ी बंद हुई तो आवाज़ आ रही है, तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी क्योंकि वो भी कार्बन की वजह से होती है, जो आपका पिस्टन होता है उसके ऊपर जो कार्बन जम जाता है और वहाँ पे फिर ऊपर जो फ्यूल रहता है वो धीरे धीरे बर्न होता रहता है। हाँ। बाद में तो वो आवाज़ आती रहती है, टिक टिक की एक साउंड आती रहती है उसके अंदर। हाँ, नॉकिंग बोला जाता है उसको। हाँ। तो वो भी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से है। उसके अलावा जैसे गाड़ी जो ब्लैक स्मोक दिखाती है। हाँ जी। वो इससे कम हो जाता है, गाड़ी के अगर इंजन की वाइब्रेशंस है वो कम हो जाती हैं इससे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि एक तरह से ये इंजन की लाइफ को बढ़ाता है, क्योंकि जब कार्बन डिपोजिशन कम हो गया। हाँ। तो गाड़ी के जो रिंग है वो नहीं कटते। हाँ जी। अदरवाइज क्या होगा, जब पिस्टन ऊपर जाता है। हाँ। तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं जाएगा। हाँ। क्योंकि वहाँ पे तो कार्बन की लेयर आ गई हेड और पिस्टन के बीच में। हाँ। तो कार्बन जो उसका प्रेशर है। हाँ। वो अपना पूरा नहीं दे रहा, तो वो प्रेशर साइड में रिंग्स पे जो है रिलीज करता है, ऑयल रिंग जिन्हें हमें बोलते हैं, इसकी वजह से ऑयल रिंग कटते हैं गाड़ी, और गाड़ी हम कहते हैं कि जी ऑयल उठाना शुरू कर गई। हाँ जी। वो अलग एक वो अलग चीज़ है, जैसे मेरे ख्याल से वो अलग चीज़ है, तीन आपके रिंग होते हैं पिस्टन पे, अगर ऑयल उठाने लग जाए तो वो अलग चीज़ है। हाँ, वो उस प्रोसेस उस लेवल तक इसको जाने नहीं देता। हाँ जी। क्योंकि वो जब हम इसका कार्बन रिमूव करवाते रहते हैं। हाँ जी। तो प्रेशर कहीं से भी रिलीज नहीं होगा, ना रिंग पे आएगा, रिंग तीन होते हैं उसके अंदर। हाँ जी। एक बीच में कॉमन होता है, एक ऊपर कंबशन चैम्बर का होता है, एक फ्यूल चैम्बर का होता है। हाँ जी। तो वो अलग अलग होते हैं कि वो एक दूसरे को मिक्स नहीं होने देते। अगर वो कट जाएंगे तो वो फ्यूल क्या है आपका। हाँ। जो ऑयल है वो कंबशन चैम्बर में आएगा। हाँ जी। और वो व्हाइट कलर का धुआं भी कई बार निकालेगा, कई व्हाइट कलर का, वो चीज़ें हैं। हाँ, तो वो भी है आपको थोड़े जितना हम बता पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, अंदर आ गए हैं दोबारा, बात करते हैं, ये बता रहे हैं जर्मन टेक्नोलॉजी, ये जर्मन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, इंडिया में भी होनी चाहिए तो ऐसे क्या है इसमें? सर, इसको जर्मन टेक्नोलॉजी इसलिए कहते हैं कि आपने वॉक्सवैगन कंपनी के बारे में सुना होगा। हाँ जी। ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था। ठीक है।
तो ये वहाँ से टेक्नोलॉजी आई है। ठीक है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि अपनी गाड़ियाँ कम से कम खुलें, उनके पार्ट्स बहुत माइक्रो होते हैं, अगर उनकी टेक्नोलॉजी देखें तो वो टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, हाँ जी। तो जो हमारी मशीन है इसके भी जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेड है, यहाँ से नहीं है। ठीक है, लोकल बहुत सारी मशीनें आ रही हैं अभी आज के टाइम पे भी, आप अगर इसको आपने भी देखा होगा मार्केट के अंदर। हाँ जी, ये जैसे ही ये टेक्नोलॉजी का लोगों को पता चला कि यार इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, हाँ जी, तो हमारे इंडिया के अंदर एक ट्रेंड होता है कि उसकी कॉपी बहुत जल्दी बनती है। बनती है बिल्कुल, तो सेम चीज़ वो हो गई है कि कॉपी बननी भी बहुत जल्दी शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी कस्टमर अपनी गाड़ी को सर्विस करवाते हैं, हाँ जी, तो मेरा ये कहना है कि आप एक ट्रस्टेड ब्रांड से करवाएं। ठीक है, आपकी अगर 8 या 10 लाख रुपये की गाड़ी है, हाँ जी, तो मेरा ये मानना है कि आप उसको अच्छे ब्रांड से जो आपके ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी है वहाँ से करवाएं। इससे कि हाँ जी बहुत मुश्किल हो गया अभी पता करना कि कौन सी चीज़ ओरिजिनल है कौन सी डुप्लीकेसी है, लेकिन अगर आप एक ब्रांड के साथ जाएंगे तो आपको भी पता है कि वो चीज़ गलत नहीं होगी। अच्छा, आपका कहना है अभी ये अभी तक मतलब उन्हीं के पास टेक्नोलॉजी है जी, मतलब इंडिया में कॉपी बन चुकी है इसकी? हाँ सर, कॉपी आ गई है इंडिया के अंदर, कॉपी का कोई बड़ा काम नहीं है। जब आईफोन की कॉपी एक काम, एप्पल जो है एक तरफ नया लॉन्च करता है और उसकी लॉन्चिंग डेट से पहले ही जो है डुप्लीकेसी बननी शुरू हो जाती है। हाँ ये तो है, तो कॉपी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो अब ये तो हो गया आपका डिकैबो की डीकार्बोनाइजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो गई। अब थोड़ा ये बताइए अपने को ये काम कराने के लिए कितनी की जेब हल्की करनी पड़ेगी? सर इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारे प्राइस स्टार्ट होते हैं वो 2000 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, और उसके बाद में जैसे आपकी गाड़ी की इंजन की सीसी बढ़ती जाती है, जो जितना इंजन पावरफुल होता है उसके हिसाब से इसके चार्जेस होते हैं। मतलब आप 5 लाख की गाड़ी है तो 2000 तो खर्चा कोई बड़ी बात नहीं है? 2000 या 2500 रुपये कोई खर्चा बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि आपकी गाड़ी एक बार सर्विस करवाने के बाद 50,000 किलोमीटर चल रही है, हाँ जी, तो आपको ये 20-25 पैसा पड़ता है पर किलोमीटर। दूसरी चीज़, अगर आपकी गाड़ी की माइलेज या परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, हाँ जी, तो आपका शायद 2 या 3 टैंक के अंदर ही सारी की सारी अमाउंट आपके रिकवर हो जाए। जैसे हमारे पास यहाँ पे ट्रक हमने किए थे, हाँ जी, तो उनका करीब 10,000 किलोमीटर का जो एक चक्कर लगता था 3 दिन के अंदर, उसमें उनको 10 से 15 लीटर फ्यूल सेव हो गया। हाँ, तो फिर तो उनके 5 चक्कर के अंदर उनकी जो कॉस्टिंग थी वो सारी पूरी हो गई। बिल्कुल हो गई, प्लस जो गाड़ी की उनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। अगर आज हम अपनी गाड़ी का इंजन ओवरऑल करवाते हैं, हाँ जी, तो उसकी जो मिनिमम कॉस्टिंग है दैट इज़ 30,000 रुपीज़। ठीक है, और नॉर्मली जो इंजन है 2.5 लाख किलोमीटर चलता है, 2 या 2.5 लाख किलोमीटर इंजन चलते हैं, उसके बाद बढ़िया से बढ़िया इंजन चलता है, हाँ जी, डाउन होने शुरू हो जाते हैं, हाँ जी। और ये चीज़ अगर आप 50,000 के बाद करवाते रहें तो आपकी गाड़ी का इंजन करीब करीब 5 या 6 लाख किलोमीटर चलता है। ठीक है, आपकी कॉस्टिंग ये कम करता है ना कि बढ़ाता है, आपका फ्यूल सेव करता है, इंजन की पावर सेव रखता है, आपकी नए इंजन की तरह पावर जो है इंटैक्ट रहती है, वो कम नहीं होती, गाड़ी की एवरेज कम नहीं होती। तो अगर आप ये सारे बेनिफिट देखें तो ये आपको बल्कि सस्ता पड़ता है, ये आपकी जेब हल्की नहीं होती बल्कि ये आपकी जेब पे कंट्रोल करके रखता है कि वो हल्की ना हो, जिस हिसाब से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं डे टू डे। कि हमारी जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर बहुत सारी लाइव वीडियो है, हाँ जी, जो कि जब हम गाड़ी करते हैं उस टाइम पर बनती है, उसमें एडिटिंग नहीं होती, हाँ जी, तो उन गाड़ियों के हम नंबर भी दिखाते हैं जो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आप इनका मैं एक हाँ तो नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, क्योंकि इससे ना एक ट्रस्ट बिल्ड अप होता है। हाँ जी, अगर मान लीजिए मैंने लाइव वीडियो दे रखी है और उसके अंदर नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी का, हाँ जी, तो जो भी उसके नॉन पर्सन है, हाँ जी, वो उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अगर हमें हमारी टेक्नोलॉजी पे पूरा विश्वास है, हाँ जी, हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है सही है और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो वो उन लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं, हमें एडिटिंग वीडियो हम नहीं करते। हाँ जी, तो मैं तो करूँगा। हाँ, एडिट आप तो करोगे सर, आप यूट्यूबर हो। हाँ तो क्यों, हाँ, कुछ मुझे इस तरह वीडियो बनानी पड़ेगी जो आपको भी अच्छी लगे। हाँ जी, भाई लोकेशन के बारे में बता दो, हनुमानगढ़ सोनगढ़ बाईपास पे है जो ये, हाँ जी, रिद्धि सिद्धि सेकंड के सामने मानसोवर कॉलोनी है, हाँ जी, उसी के बाहर है ये। हाँ, डीकैबो डीकार्बोनाइजिंग सेंटर है, नंबर भी दूंगा और फेसबुक लिंक भी दूंगा जो जनरली देता हूँ, उसमें कोई अपने नहीं है। अब गाड़ी आके करवाओ या इनसे पूछो, कोई और बंदे ने करवाई है उसके बारे में पूछो,
और मैं ये कहना चाहूंगा जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो कस्टमर इन वीडियोस को देख रहे हैं, क्यों एटलीस्ट हमारे पास आके विजिट जरूर करें। हाँ जी, आप आगे विजिट करिए, आप टेक्नोलॉजी के बारे में देखिए, उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगता है आप करवाइए। हाँ जी, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप अपने हमें फीडबैक देके जाइए। हाँ बिल्कुल, मतलब आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर कहीं पे हमें लगता है कि हम नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है, वो चीज़ें हैं, फीडबैक बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और एक बार विजिट जरूर करें आप, विजिट करने से ही आपको पता चलेगा। हाँ, कोई चीज़ देखोगे, पहली बार आप गाड़ी भी देखने गए होंगे, 4-5 गाड़ियाँ देखता है आदमी, तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता। इसके बारे में और भी सर्च करिए, मेरी वीडियो मत देखिए, आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे। हमारे पास भी ऐसे कस्टमर आते हैं जिनके सर्कल में 10-10 गाड़ियाँ होती हैं, पर ये होता है यार पहले कौन करवाए। अच्छा, तो जब एक बंदा कोई करवाता है एक गाड़ी होने के बाद, वो कस्टमर फिर बाकियों को फीडबैक देता है, वो सारी गाड़ी ऑटोमेटिकली हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। ये भी है, ये एक चेन सिस्टम बन गया अभी। हाँ, ये भी काफ़ी मतलब मेन, ज़्यादातर अब कोई भी बिजनेस चलता ही ऐसे है, या कोई भी चीज़ ऐसे चलती है, एक बंदा कराता है, एक बढ़िया गाड़ी लेता है बंदा, जैसे स्विफ्ट किसी ने पहली ली होगी, उसने बताया हुआ ये बढ़िया है, अब हर कोई बताता है भाई स्विफ्ट ले लो आंख बंद करके। कोई सेफ कार लेनी है, जैसे नेक्सॉन खड़ी है भाई, बहुत सेफ गाड़ी है, इंडिया की सबसे सेफ गाड़ी है, ले लो आंख बंद करके। तो अब अपने चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, कट होगा 10-15 मिनट बाद, तो वो अपने उसको देखेंगे। हाँ जी, अभी यहाँ पे 29 मिनट्स हो चुके हैं इसको। हाँ जी, ये टाइमर चल रहा है, जैसे 30 मिनट हो गए यहाँ पे भी लाइट ब्लिंक हो रही है। हाँ जी, ये बंद हो जाएगी तो मशीन ऑटो कट हो जाएगी। अच्छा, मेरे को ये पता चल जाएगा यहाँ से। हाँ जी, तो क्या होता है जैसे अपने एक और गैस डाल रहे हैं, मतलब एक अपने तरीके से वो एयर कर रहा है, सक कर रहा है, एक अपने और गैस डाल रहे हैं, तो उसका क्या आपका प्रिकॉशन रहता है इसमें, वो भी थोड़ा सा बताइए। सर, इसके अंदर जो ये मशीन है इसमें ऑटो सेंसर्स लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि इस गैस को कंट्रोल वे में इंजन के अंदर थ्रो करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये इन चीज़ों के कंपैरिजन है। हाँ जी, ये मशीन इंजन को किसी तरीके का हार्म नहीं करती। हाँ जी, क्योंकि जब आप कंट्रोल वे से उसको डालेंगे इंजन के अंदर सर्कुलेट होगी, उसको हार्म नहीं करेगी। प्लस जो इसके सेंसर लगे हुए हैं, अच्छा, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आती है वो मशीन को ऑटो कट कर देंगे। ठीक है, जिस वजह से गाड़ी को कुछ भी नुकसान नहीं होता। बहुत तो हमारे पास आते हैं कस्टमर के कॉल की, हमारी गाड़ी को नुकसान तो नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अभी मेरे भी उसको सेफ रखती है। हाँ भाई, क्यों अपनी एक वो अपने तरीके से सक करना जी, नेचुरल एयर, और एक अपने ऊपर से इंजेक्ट करना है एक्स्ट्रा पावर के साथ उसको करना। हाँ, वो काम नहीं करती है ये। अच्छा, वो नहीं, वो एक कंट्रोल वे में करती है कि इसका मशीन का प्रेशर होता है। हाँ जी, बट उतना ही प्रेशर ये रिलीज करती है जितना कि इंजन की कैपेसिटी है। हाँ जी, ये है, ये चीज़ इसमें है। तो यही टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है एक ब्रांडेड के अंदर और अगर आप वैसे करवाते हैं तो लोकल जी। मतलब उसमें क्या होता है वो सही तरीके से एयर सक नहीं कर पाते। हाँ, मतलब सक नहीं, छोड़ नहीं पाते। हाँ, होता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम नहीं कर सकते। अब जैसे ये अभी 30 मिनट हुए तो मशीन ऑटो कट होगी। हाँ जी, ये 30 मिनट का टाइमर कंप्लीट हो गया, जो लाइट्स चल रही थी वो बंद हो गई है। हाँ जी, तो इस गाड़ी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हाँ जी, अब इसकी हम ये पाइप्स वगैरह बाहर निकाल के और इसको वापस। हाँ, तो ये एक अपने आप देख ही रहो, जैसे एक नट की बात की थी इन्होंने और दीपक जी, अमित जी आपने ये स्टोरी बताई मुझे, पहले बताई थी किस तरह आपने ये डीलरशिप ली जी, वो थोड़ा सा बताइए कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग। मैंने भी आप लोगों की तरह इसकी वीडियो देखी थी। हाँ जी, यूट्यूब के ऊपर। हाँ जी, और उसके बाद फिर मैं इसको करवाने के लिए अपनी गाड़ी को दिल्ली लेके गया। बहुत फेमस यूट्यूबर है, हम तो काफ़ी छोटे हैं, नए नए हैं, उनका नाम भी बता दीजिए। ये हमने देखी थी मुसाफिर की है, मुसाफिर जोशी जी है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। हाँ, उन्होंने इसको कवर किया था वहाँ पे। हाँ जी, तो वो हम वीडियो देख के फिर हम दिल्ली गए। हाँ जी, वहाँ पे जाके मैंने अपनी गाड़ी करवाई थी, मेरे पास ETO से। हाँ जी, ऑलमोस्ट तब 1,70,000 चली हुई थी। ठीक है, तो मेरे को उसके अंदर जो है एवरेज का प्रॉब्लम आ रहा था गाड़ी को, मेरी गाड़ी की एवरेज जो है 20-21 की एवरेज आ रही थी। ठीक है, वो करवाने के बाद जब मैं वापस आया दिल्ली से तो मैंने एवरेज चेक करी। हाँ जी, मेरे को उस गाड़ी की पिकअप में जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा। एवरेज जो मेरी गाड़ी की वापस 24-25 की रिस्टोर हो गई। हाँ जी, और फिर उसके बाद जब हमने सोचा कि यार ये टेक्नोलॉजी अपने शहर में भी लेके आनी चाहिए। हाँ जी, तो जैसे सबको डर लगता है, हमें भी थोड़ा सा था कि यार कॉन्फिडेंस एक बार और चेक करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो हमारे पास एक जेन थी 2005 मॉडल। ठीक है, उसका पोल्यूशन नहीं क्लियर हो रहा था। ठीक है, तो इसको चेक करने का ये तरीका था कि आप ये
जो है पोल्यूशन कम करती है गाड़ी का, जो है कार्बन एमिशन को कम करती है। बिल्कुल, अगर नहीं होगा वो गाड़ी हम दिल्ली लेके गए दोबारा, हाँ जी, उस गाड़ी को वहाँ से करवाया, जब वापस ला गए हमने सेम सेंटर पे उसको चेक करवाया, हाँ जी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, वो गाड़ी पोल्यूशन क्लियर कर गई अपना। अच्छा, और उस टाइम पे पोल्यूशन वाला बड़ा हैरान था कि सर आपने एक दिन में गाड़ी का इंजन कैसे करवाया। अच्छा, कि उसका पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा था। तो इस तरह भी इसको आप चेक कर सकते हो किसी के साथ अगर आपको अगर चेक भी करना है इसका कि जो कहते हैं कि यार हमें कैसे पता चलेगा, हाँ जी, तो उसको चेक करने का तरीका है कि आप गाड़ी यहाँ पे करवाने से पहले गाड़ी का पोल्यूशन चेक करवा लीजिए, हाँ जी, और करवाने के बाद जब आप दोबारा गाड़ी का पोल्यूशन चेक करवाएंगे तो आपको उसमें करीब करीब 50% का ड्रॉप मिलेगा। सेम पोल्यूशन सेंटर से आप करवाइए जिसकी मशीन सही है, एक्चुअल में जो मशीन के साथ पोल्यूशन चेक करते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी। अब ये एक कुछ और भी मुझे बता रहे थे इंटरेस्टिंग चीज़ें, वो भी बता दीजिए, अब फिर वीडियो रैप अप करते हैं अपने। इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसे हैं कि हम जो है बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे लेके आ रहे हैं, हाँ जी, जैसे भी हम इस गाड़ी के ऊपर हमने आज जो है सिरेमिक वैक्स कोटिंग करी, हाँ जी, पॉलिशिंग है ये, हाँ जी, वो हमने करी कि नॉर्मली क्या है कि जब लोग सर्विस करवाते हैं, वॉशिंग करवाते हैं, हाँ जी, तो सीधी हमारे पास वॉश करके और दे देते हैं, हाँ जी। और सेम चीज़ आपने देखा बहुत बार हम एजेंसी में जब करवाते हैं गाड़ी वॉश करवाते हैं तो उनकी जो अलग ही फिनिशिंग होती है, हाँ जी, तो हम भी जो है इसी चीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं कि एक नॉर्मल वॉश जो वॉशिंग सेंटर पे होती है, हाँ, और एक हमारे यहाँ पे क्या डिफरेंस है, अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ करके, हाँ जी, अच्छी क्वालिटी देना, हमारा यही पर्पस है कि हम क्वालिटी अच्छी करें। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर हमने कोटिंग वो अभी पॉलिशिंग करी है, हाँ जी, इसको पहले अच्छे से वॉश किया, फॉग वॉश की, हाँ जी, और वो भी नॉर्मली हम अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हाँ जी। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि अब अगर हम नॉर्मली पानी गिरते हैं गाड़ी पर क्या होता है, और इसका आप देखिए कि अगर हम इस पर पानी गिराते हैं तो ये पानी कहीं पे भी नहीं रुक रहा गाड़ी पे। बारिश में हम जाते हैं और करते हैं, इतना पानी गिरा है कहीं पे भी गाड़ी के ऊपर पानी नहीं रुक रहा है। तो ये एक उसमें एक छोटा सा पार्ट है जो चीज़ें हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, धीरे धीरे हम इसी चीज़ को और ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं बारिश में आया था तो गाड़ी मुझे बिल्कुल साफ साफ लगी, मैंने कहा कैसे पूछा, तो ये था इसका। जी सर, हाँ जी, तो यही सर हमारा पर्पज़ है कि ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग जो है दूसरे शहरों में जा रहे हैं, हाँ जी, और इतनी चीज़ों का हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें कि गंगानगर में ही लोगों को यहीं पे ये फैसिलिटी मिले कि वो 1000 रुपये का अपना जो है फ्यूल जला के उसके बाद जाते हैं या हाँ, कुछ ऐसे कराते हैं। ये तो है फर्क, टाइमिंग उनका सेव हो, टाइम सेव हो, फ्यूल से वो जितने का वो फ्यूल लगाते हैं, मान लीजिए आप यहाँ से जयपुर जा रहे हैं या आप चंडीगढ़ जाते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये का फ्यूल बिल जो आपका जल जाता है या कंज्यूम होता है आपका, हाँ जी, तो वही चीज़ आप 4 हज़ार रुपये में आपको सेम सर्विसेज यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि दे दें। हाँ, तो वो बेनिफिट रहेगा या वॉशिंग के साथ ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे दें कि जो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो प्लस उसकी लाइफ भी हो। तो अमित जी, और हमने काफ़ी बोल लिया इस वीडियो में, और लोकेशन दोबारा हम बता देते हैं, थोड़ा घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा, ये बाईपास है सूरतगढ़ हनुमानगढ़ रोड श्री गंगानगर रिधि सिद्धि 2 मानसरोवर कॉलोनी के पास है। तो ये डिकार्बोनाइजिंग टेक्नोलॉजी है और इसके बारे में जितना हो सकता है मैंने बताया, आप भी अपने ब्याह पे सर्च करिए, आइए देखिए, अगर आपको कोई बेनिफिट मिलता है बहुत अच्छी बात है, मुझे भी मज़ा आएगा। आपने वीडियो देख लिया है और आपको बहुत पसंद आ गई है तो शेयर कर दीजिए, ठीक ठाक पसंद आई है लाइक तो कर ही दीजिए, इतना टाइम वेस्ट किया है। अगर ऐसा और कंटेंट देखना पसंद करते हो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम कुछ ना कुछ आपके लिए लाते रहते हैं, ज़्यादातर हमारी सेकंड हैंड गाड़ियों की वीडियो आती हैं, और भी आप काफ़ी चीज़ें सोची है मैंने, वो भी करता रहूँगा आपके साथ, आपको इस यूट्यूब चैनल पर दिखाता रहूँगा। थैंक यू अमित जी, आपने टाइम निकाला बहुत सारा, हाँ जी, बढ़िया लगा आप यहाँ पे आपने विजिट किया, हाँ जी, और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन फ्यूचर भी आप जो है यहाँ पे आते रहिए, कहीं से कोई फीडबैक है जो इनके व्यूअर्स हमारे यहाँ पे आए हम तो भी दे सकते हैं। इस बार तो मैं थोड़ी कम तैयारी के साथ आया, अगली बार ना मैं अच्छी कोई गाड़ी लेके आऊँगा जी, चैलेंजिंग काम होता है ना। हाँ, आप मोस्ट वेलकम, एसयू पे दिखा के अच्छी जो ब्लैक स्मोकिंग करती है ऐसी गाड़ी लेके आऊँगा जी सर, फिर करके देखेंगे, फिर अपने उसको अच्छे से अपने को पता चलेगा, हाँ जी, जी सर, तो वो भी अगली बार चैलेंजिंग काम होगा, पहली बार अपने वीडियो में ये किया है, हाँ जी, श्योर सर, बिल्कुल, ठीक है अमित जी, थैंक यू, आपने वीडियो देख ली है, धन्यवाद इसके लिए।